26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा है और बहुत जोर शोर से हिंदुस्तान में मनाया जाता है। तो इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक गीत आज हम लोग कुंभ क्षेत्र में ड्यूटी में हैं तो महेंद्र कपूर साहब का एक गाया हुआ गीत आपको गुनगुना कर सुनाता हूँ। हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने क्या कहा कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई देता न दशमलव भारत तो यूं चाँद पे जाना मुश्किल था, धरती और चाँद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वहाँ भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रह गए और फूले फले, बढ़ता ही रह गए और फूले फले। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आज हम यहाँ बहती गंगा के किनारे यहाँ प्रयागराज में, सौभाग्य की बात है कि अरविंद भैया जी के साथ जो हमारे यूपी पुलिस में सेवानिवृत्त हैं और सेवा दे रहे हैं अपना और बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं और लोगों को मतलब हर चीज़ से प्रेरित कर रहे हैं, बढ़िया कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमसे यहाँ पर मुलाकात हो गई और आज 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और इसी अवसर पे इन्होंने बहुत ही बढ़िया अपने मधुर वाणी से ये गीत से अपना परिचय कराया और इनका यहाँ पे प्रयागराज में ड्यूटी है और बहुत ही बढ़िया कार्य करते हैं, सराहनीय कार्य यहाँ पे करते हैं। तो आज यहाँ पे मिलके और बहुत ही बढ़िया आप लोगों को भी अपने मधुर वाणी से सुनाए तो प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि एक और मधुर वाणी से आपको कुछ सुनाना चाहेंगे और चलिए सुनते रहिए। उस गीत का जो मैं मुक्तक गाया था जी, तो उसी का एक कड़ी दो कड़ी में सुना देता हूँ। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन्होंने गाया कि जब जीरो दिया मेरे भारत में ना जी, उसको गीत का शुरुआत है कि है प्री जगह की री सदा, ये कहीं नहीं है हिंदुस्तान के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है प्री जगह की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय हे प्री जगह की री सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और नया ता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐ प्री जगह की री सदा, इतनी ममता नदियों को भी
जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। जिस मान चुकी सारी दुनिया को, जिस मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हे प्री जहाँ की रिश्तेदार, ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकता, मेरी औकात ही नहीं कि मैं बता दूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ, हमारी सौभाग्य है कि आपसे मिले। और इस वर्दी की गरिमा रखते हुए, कल 26 जनवरी है और इस वर्दी का गरिमा रखते हुए लोगों को बहुत ही सेवा करने का मौका इनको मिला है और हम लोगों को सेवा ही कर रहे हैं, तो सौभाग्य की बात है कि इनसे मिलके और दो शब्द इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सुनने का मौका मिला। और इस प्रयागराज की धरती पे ये सेवा करके और पुण्य के भागी बन रहे हैं, तो 26 जनवरी के शुभ अवसर पे आप लोग भी देश के प्रति साफ सफाई, अपने अगल बगल में साफ सुथरा रखें और सही संदेश पहुँचाएँ और स्वच्छ फैलाएं और भारत को स्वच्छ रखें और सही कार्य करें। और वर्दी की गरिमा है। और एक बात और सर कहना चाहेंगे, यहाँ पे हमारी विनती है, आज मेरे हाथ में हेलमेट है, यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं जी, मेरे हाथ में हेलमेट है जी। नौजवानों से मेरी विनती है कि आप दो पहिया वाहन चलाते समय आप हेलमेट का प्रयोग जरूर करें जी। बहुत दर्द से एक बच्चे को जवान किया जाता है, माता पिता कैसे करते हैं, कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, देखते हैं हम ट्रक द्वारा, किसी और वाहन द्वारा सर को दबा दिया, रोटी की तरह सर हो गया, यह देख कर बहुत दर्द होता है। तो मैं नौजवानों से विनती करूंगा कि आप इस महाकुंभ के और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यह संकल्प लें कि बिना हेलमेट दो वाहन भैया न चले। तो आप लोग बहुत बढ़िया ये सराहनीय काम कार्य किए और ये चीज़ जो है आप लोग नियम जरूर पालन करें, सीट बेल्ट जरूर फोर व्हीलर में लगाएं और टू व्हीलर चलाते समय अगर बिना डीएल का बाइक न चलाएं, हम लोग बिना डीएल के चलाते हैं, और नियम का जरूर पालन करें और देश के कोने कोने में आप लोग साफ सुथरा फैलाएं। और गणतंत्र दिवस पे हम एक संकल्प लें कि देश में साफ सुथरा रखना है, कोई साफ सुथरा बोल के नहीं फैला सकता, हम लोग अपने अगल बगल खुद साफ रखेंगे और लोगों को खुद अपने सामने उन लोगों को समझाएंगे तो साफ सुथरा दुनिया पूरा साफ हो जाएगी। और हम लोगों को गलत सही मतलब देखने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा, खुद अपने को करने से होगा। और सर बहुत बढ़िया यहाँ पे भैया हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे संदेश दिए और आप लोग इसको पालन कीजिए। और गणतंत्र दिवस के लिए मैं कविता एक और लिख रहा हूँ जी, दो लाइन वर्दी के लिए एक कविता लिख रहा हूँ लेकिन पूरा नहीं लिख पाया हूँ। अच्छा, दो लाइन खड़ा का कड़ी है बिल्कुल। शीर्षक कविता का है, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे सीमा पर हो, आंतरिक या बाहर, जो भी नौजवान है वर्दी पहनकर घूम रहा है, 99% वो किसान का बेटा है। तो एक लाइन मैं किसान के लिए, मैं किसान का बेटा हूँ, अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ, वर्दी मेरे तन की गरिमा दुश्मन से लोहा लेता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। यह सीख पिता से मिली मुझे, खेती की रक्षा कैसे हो, रोटी की रक्षा कैसे हो, बेटी की रक्षा कैसे हो, रक्षा का ज्ञान मिला उनसे, सम्मान उन्हीं को देता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। वर्दी मेरे तन की गरिमा दुश्मन से लोहा लेता हूँ, मैं किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जय जवान जय किसान का भी नारा लग गया। और अगर कविता जिस दिन इनकी पूरी हो जाएगी तो हम एक बार अनुरोध करेंगे भैया से कि जरूर इनसे मिलेंगे और पूरी कविता आप लोगों को आपके सामने प्रस्तुत करने का अगर मौका मिला तो हमको बहुत सौभाग्य होगा कि मिलके और पूरी कविता आप लोगों के समक्ष रखेंगे। एक ईमानदार प्रधानमंत्री, बहुत ही ईमानदार, कोई ऐसा न हुआ है न कभी होगा जी। परम आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय जय किसान। वो ऐसे नहीं नारा दे दिए थे जवान जय किसान, किसान ही सबको जिलाता है और चैन की नींद जो लोग सोते हैं अपने घर के अंदर, वह उसका बेटा सिपाही बनकर सुलाता है आनंद के साथ
अपने जान की कुर्बानी देकर भी रक्षा करता है, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था जय जवान जय किसान। लेकिन आज मोबाइल का युग है, तमाम टेक्निकल, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय विज्ञान। तो ये चलिए, हम लोग हर लोग किसान से जुड़े हुए हैं और हमारी देश जो है किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, इसलिए हम लोग फिर चलिए और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग ऐसे ही देश में मिल के प्रेम भाव बांटते रहिए और सब लोग हम लोग मिल के बांटेंगे। तीर्थ धाम में आने से मतलब यही है कि हम लोग अपने में सद्भाव बनाए रखें और मिल के प्यार बांटते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और मैं एक बात कहना चाहूँगा जी, शरीर का कोई अंग आपका चाहे जितना गंदा हो कोई मतलब कोई माने नहीं है, लेकिन आप हृदय को साफ रखिए, यही सबसे बड़ी पूजा। हृदय को साफ रखिए और अपने आसपास लोगों से प्यार बनाए रखिए। और चलिए फिर मैं सोनी कुमार और मिलते हैं फिर एक अपने नए वीडियो के साथ। अभी आप लोग प्यार बनाए रखिए और चलिए अगर सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।